दोस्तों स्वागत है आप सभी का IPL 2020 से जुड़ी एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2020 का ऑक्शन जो 19 दिसंबर को होने वाला है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहां पे जो है BCCI ने जो शॉर्ट लिस्ट जो है लिस्ट बना लिया है IPL 2020 के ऑक्शन के, उन्होंने जो 971 खिलाड़ी को लिस्ट में से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके उन्होंने पूरा तैयारी कर ली है IPL के ऑक्शन की। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले कि कौन से खिलाड़ी जो है आगे IPL 2020 के ऑक्शन के लिए जाने वाले और कौन से जो है नए खिलाड़ी की जो एंट्री हुई इस बार पहली बार जो IPL 2020 के ऑक्शन में हमें देखने को मिलने वाले, तो पूरा डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप IPL के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर करें लाइक, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं क्रिकेट और IPL से जुड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आप जो IPL 2020 में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो कौन सी टीम जो है IPL 2020 का खिताब जीते, तो आप जो है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो है IPL 2020 के ऑक्शन के टोटल जो है 971 खिलाड़ियों जो है पूरा रजिस्टर किया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो BCCI ने सारे के सारे टीम को जो है लिस्ट भेजी थी और उन्होंने बोला था कि कौन से खिलाड़ी को जो IPL 2020 के ऑक्शन में बोली लगाना चाहते हैं वो जो इंटरेस्टेड नाम जो है BCCI को भेज दे। तो यहाँ पे सारे के सारे जो आठों टीम ने जो है अपने इंटरेस्टेड नाम भेज दिया BCCI को, तो BCCI ने जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। तो उन्होंने जो है आगे जो है IPL 2020 के ऑक्शन के लिए जो 332 खिलाड़ी का सिर्फ जो है 332 खिलाड़ी जो IPL के ऑक्शन में हमें दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 639 खिलाड़ी को जो है BCCI ने जो है IPL 2020 के ऑक्शन से बाहर कर दिया है, तो हमें जो है सिर्फ 332 खिलाड़ी दिखने वाले हैं IPL के ऑक्शन में। वहीं अगर दोस्तों बात करें हमें यहाँ पे जो है नई एंट्री की, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 24 जो है नए खिलाड़ी जो IPL 2020 के ऑक्शन में पहली बार हमें जो दिखने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ बात करें हुई नए खिलाड़ी की लिस्ट में, तो उनमें जो नाम आते हैं दोस्तों एडम जंपा जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है, मुसीफ और रहमीन दोस्तों ये भी खिलाड़ी पहली बार हमें IPL के ऑक्शन में दिखने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हैं वेस्ट इंडीज को कैसरिक विलियम्स, दोस्तों ये कैसरिक विलियम्स जिसका जो है विराट कोहली के साथ अभी जो है T20 सीरीज में जो है गर्मागरी चल रही, तो ये वही खिलाड़ी, तो ये जो है खिलाड़ी जो है हमें पहली बार IPL 2020 के ऑक्शन में बोली लगती हुई दिख सकती है। वही दोस्तों आपको बता दें कि जो है BCCI ने जो है 332 खिलाड़ी की जो है लिस्ट जारी किया, उनमें से जो है सिर्फ 73 खिलाड़ी जो है टीम में जो ऑक्शन में खरीदे जाएंगे, क्योंकि जो है सारी आठ टीमों को मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ 73 जो स्लॉट्स के लिए जगह बाकी बची हुई है। तो इसमें जो है यहाँ पे देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी जो IPL के ऑक्शन में बिकने वाले 332 में से। दोस्तों अगर वही बात करें तो सबसे ज्यादा जो बोली लगने वाली किस खिलाड़ी की, तो यहाँ पे दोस्तों नाम आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो पैट कमिंस, जो एरन फिंच, जेसन रॉय, इयन मॉर्गन, क्रिस लिन, दोस्तों ये से जो बड़े खिलाड़ी जो जिनको जो IPL 2020 के ऑक्शन में ज्यादा बोली लगने वाली है इस बार। दोस्तों इस वीडियो में ये पूरा डिटेल था इस वीडियो में, तो हमने पूरा आपको बता दिया कि 332 खिलाड़ी जो IPL के ऑक्शन में जाने वाले 19 दिसंबर को, जो कि जो है सुबह जो है कोलकाता में होने वाला है, लगभग 10 बजे चालू होगा ऑक्शन 19 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखना पड़ा होगा कि कौन से खिलाड़ी को जो है कौन सी टीम खरीदती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जो है कौन से खिलाड़ी को खरीदेगी, आप जो है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।